नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसान साथियों, ओलावृष्टि की वजह से जो फसल का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो किसान साथियों स्क्रीन पर कि 50 फीसदी से ज़्यादा फसल नुकसान होने पर दिया जाएगा 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा। बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति का मुआवजा। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा किसानों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए सर्व कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को इस दुख की घड़ी में संकट के पार निकालेंगे। फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि एवं बीमा राशि का किसानों को शीघ्र भुगतान करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली के ग्राम बजावन में प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर रहे थे। प्रभावित फसलों को देखने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खेतों में पहुंचे। उन्होंने कहा है कि बाहर से फसलें हरी दिखती है पर खेत में अंदर जाकर देखे तो कुछ नहीं बचाए। प्रदेश में पृथ्वीपुर सहित जहाँ जहाँ भी फसलों को नुकसान पहुँचाए उसकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को शीघ्रता से राहत राशि का भुगतान कराएं। 18 जनवरी तक पूर्ण होगा सर्व, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संवाद करते हुए किसानों के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने कमिश्नर एवं जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान के सर्व का कार्य 18 जनवरी तक पूर्ण कराया जाए। सर्व का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो। सर्व उपरांत सूची पंचायतों में लगाई जाए जिससे संबंधित किसान भी अवगत हो सके। यदि किसान को आपत्ति हो तो उसका निराकरण किया जा सके। किसानों को दी जाएगी 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राहत राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन किसानों का 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है उन किसानों को 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि दिलाई जाएगी। साथ ही फसल बीमा में फसलों को नुकसान हुआ जिसमें 25% एडवांस राशि और शेष 25% राशि फसल आकलन के उपरांत दिलाई जाएगी। फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि गाय भैंस की मृत्यु पर 30,000 रुपये और बछड़ा बचिया के लिए 10,000 रुपये और भगवान ना करे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो लेकिन ऐसी असामाजिक मृत्यु पर 4,00,000 रुपये की परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा छोटे पशुओं बछड़ा बछड़ी बकरा बकरी एवं मुर्गा मुर्गी के लिए भी राहत राशि दी जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान यदि लोन लिया होगा तो ऋण वसूली को स्थगित कर अल्पकालीन लोन को मध्यकालीन ऋण में बदलकर उसका ब्याज भी हम भरवाएंगे। फसल के अलावा मवेशियों की मृत्यु एवं अन्य क्षति के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी। ये थी किसान साथियों आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।